हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज आलोक राय एंड वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन सेंट एंजल पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल। टुडे आई एम हेयर टू टीच यू कंप्यूटर साइंस क्लास 12th एंड इन दिस आई एम टीचिंग यू पाइथन एंड चैप्टर नंबर 5 एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज फाइल हैंडलिंग। व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर इज फाइल हैंडलिंग। दिस इज द सेकेंड वीडियो ऑफ फाइल हैंडलिंग चैप्टर। दिस इज द सेकेंड वीडियो ऑफ फाइल हैंडलिंग चैप्टर। टुडे वी आर डिस्कस file access mode. Today we are discuss file access mode. We pass second argument in open function as a file access mode. Purpose of the file or mode of the file is known as file access mode. A file open mode governs the type of operation possible in a open file. Okay, in Python we can access file in various mode. Mode of text and binary file. तो देखो, binary file में जो mode हम text file में use करते हैं वो सारे मोड हम क्या यूज करते हैं, बाइनरी फाइल में भी यूज करते हैं। बस डिफरेंट क्या होता है कि जब हम उस मोड को बाइनरी फाइल में यूज करते हैं तो हम बी वर्ड यूज करते हैं मोड के नेम के बाद। कब यूज करते हैं? मोड के नेम के बाद। जैसे हमने यूज किया रीड मोड के लिए, हम आर कीवर्ड यूज करते हैं टेक्स्ट फाइल में, वैसे ही हम आर कीवर्ड ही यूज करेंगे बाइनरी फाइल में। बट बाइनरी फाइल में एक एक्स्ट्रा कीवर्ड यूज करेंगे जिसका नाम क्या कहलाता है, बी। ठीक ना, ये बी ये बताएगा कि ये जो फाइल है, ये जो मोड हम यूज कर रहे हैं फाइल का, ये हम बाइनरी फाइल पे यूज कर रहे हैं। किस फाइल पे यूज कर रहे हैं? बाइनरी फाइल पे यूज कर रहे हैं। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट। आर मोड फॉर टेक्स्ट फाइल एंड आर बी मोड फॉर बाइनरी फाइल। बी इज डिनोट That mode we are used in binary file. Okay, open an existing file for read operation. In this also default mode if the file is not already available. If the file is not already available, then it show error, file not found error. Okay? देखो, जब हम किसी पहले से प्रेजेंट फाइल को रीड ऑपरेशन के लिए ओपन करना चाहते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, मोड हम रीड मोड यानी आर डिक्लेयर करते हैं। ठीक ना, ये बाय डिफॉल्ट मोड भी होता है। अगर हम फाइल को ओपन करें ओपन फंक्शन की हेल्प से और उसमें कोई मोड ना पास करें तो बाय डिफॉल्ट वो फाइल जो होगा रीड मोड में ही ओपन होगा। ठीक ना, मतलब बाय डिफॉल्ट वो फाइल हमारा रीड ऑपरेशन के लिए ही रेडी होगा। किस ऑपरेशन के लिए रेडी होगा? रीड ऑपरेशन के लिए ही रेडी होगा। दूसरा मोड है हमारे पास राइट मोड। क्या है दूसरा हमारे पास? राइट मोड। राइट मोड के लिए टेक्स फाइल में हम डब्लू कीवर्ड यूज करते हैं और बाइनरी फाइल में डब्लू बी कीवर्ड यूज करते हैं। ठीक ना, ओपन द फाइल फॉर राइट ऑपरेशन। ये किस लिए ओपन होता है? ये किस लिए यूज होता है? ओपन द फाइल फॉर राइट ऑपरेशन। राइट ऑपरेशन के लिए फाइल को ओपन करने के लिए हमारा राइट मोड यूज होता है, जिसे हम डब्लू मोड भी कहते हैं। इफ द फाइल इज ऑलरेडी अवेलेबल एंड इट कंटेन सम डेटा। मैंने क्या बोला? इफ द फाइल इज ऑलरेडी अवेलेबल एंड इट कंटेन सम डेटा देन न्यू डेटा इज ओवर राइट ऑन इट। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नया वाला डेटा जो है पुराने वाले डेटा के ऊपर ओवरराइट हो जाएगा। मींस पुराना वाला डेटा डिलीट हो जाएगा और नया वाला डेटा उसकी जगह पे आ जाएगा। एंड इफ फाइल इज नॉट अवेलेबल, अगर फाइल हमारा अवेलेबल नहीं है
देन पाइथन वर्चुअल मशीन यानी पीवीएम क्रिएट क्रिएट इट ऑटोमेटिकली। देन पाइथन वर्चुअल मशीन यानी पीवीएम इस फाइल को ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट, सब लोग इसे समझ गए होंगे। अगला मोड है हमारे पास अपेंड मोड। अगला मोड के कौन सा है? अपेंड मोड। इसके लिए हम एक कीवर्ड यूज करते हैं टेक्स्ट फाइल में और हम बाइनरी फाइल में ए बी कीवर्ड यूज करते हैं। कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? ए बी कीवर्ड यूज करते हैं। ए यानी अपेंड मोड इन दिस इफ द फाइल इज एग्जिस्ट देन इट कंटेन्स सम डेटा देन न्यू डेटा अपेंड या राइट टू द एंड। इफ फाइल इज नॉट एग्जिस्ट पाइथन विल क्रिएट अ न्यू फाइल। ठीक ना, इसमें क्या होता है कि इस तरह के फाइल में अगर हम किसी फाइल को अपेंड मोड में ओपन करते हैं और हमारा फाइल पहले से प्रेजेंट होता है, क्या मैंने बताया, हमारा फाइल पहले से प्रेजेंट होता है और उस फाइल में पहले से कुछ डेटा होते हैं, तो जो नया डेटा हम ऐड करेंगे वो क्या होगा, पुराने डेटा के लास्ट से एंड से क्या होगा, एंड होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर फाइल प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा पाइथन वर्चुअल मशीन क्रिएट इट ऑटोमेटिकली, क्रिएट कर देगा इसे ऑटोमेटिकली। अब देखो हम क्या करते हैं, राइट मोड और अपेंड मोड में अंतर क्या है। देखो राइट मोड में जब क्या हो रहा था, फाइल ओपन हो रहा था तो पुराना डेटा हमारा क्या हो जा रहा था, हमारा डिलीट हो जा रहा था ऑटोमेटिकली। तो क्या कोई कंपनी ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना चाहेगी जो जिसमें क्या हो कि पुराना डेटा जब वो ओपन करे उस फाइल को तुरंत उसका पुराना डेटा क्या हो, डिलीट हो जाए। ऐसा कोई कंपनी सॉफ्टवेयर बनाना चाहेगी क्या? आप लोग खुद सोचो कि आपके स्कूल का एक सॉफ्टवेयर बना है जिसमें आपके स्कूल के सारे बच्चों का क्या है, इन्फॉर्मेशन स्टोर है, और उस सॉफ्टवेयर को जैसे ही हम ओपन करते हैं पहले से प्रेजेंट सारे स्टूडेंट का डेटा डिलीट हो जाता है और अब हमें नया स्टूडेंट का डेटा ऐड करना होता है। तो क्या ये सॉफ्टवेयर हमारे लिए यूजफुल होगा, ये सॉफ्टवेयर यूजफुल होगा? तो फिर हम राइट मोड का यूज क्यों करते हैं? तो देखो राइट मोड का यूज हम करते हैं जब हम गेमिंग से रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं। किससे रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं? गेमिंग के रिलेटेड। क्या आप ये चाहते हो कि आप जो गेम खेल के बंद किए हो, जहाँ पर आप जब उस गेम को स्टार्ट करो तो वो गेम वहीं से स्टार्ट हो, ऐसा आप चाहते हो? हर बार आप यही चाहते हो कि गेम क्या हो, बिगिनिंग से स्टार्ट हो और गेम में हर बार क्या हो, नए तरह की डिफ़िकल्टी हमारे सामने आए, नई तरह की डिफ़िकल्टी आए, नई तरह के टास्क आए। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर में हम राइट फंक्शन का यूज करते हैं। कहाँ किसका यूज करते हैं? राइट फंक्शन का यूज कर, राइट मोड का यूज करते हैं। किस तरह के सॉफ्टवेयर में? जब हम गेमिंग से रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं और जब हम डेटाबेस से रिलेटेड, जैसे स्कूल के बच्चों का हमें इंफॉर्मेशन स्टोर करना है, तो ये डेटाबेस से रिलेटेड सॉफ्टवेयर हो गया। जब इस तरह का सॉफ्टवेयर बनाते हैं जिसमें हमें पुराने डेटा को का भी रहना हमारे पास जरूरी होता है, तब हम क्या करते हैं, उस केस में हम अपने फाइल को किस मोड में ओपन करते हैं? अपेंड मोड में ओपन करते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट। मैं आशा करता हूँ सब लोग इसे समझ गए होंगे कि कहाँ पे हम राइट मोड का यूज करते हैं, कहाँ पे हम अपेंड मोड का यूज करते हैं, किस टाइप का सॉफ्टवेयर बनाते समय हम राइट मोड का यूज करेंगे, किस तरह का सॉफ्टवेयर बनाते समय हम अपेंड मोड का यूज करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं R प्लस, उसके बाद हम बात करते हैं किसका, R प्लस मोड का। R प्लस मोड को हम बोलते हैं रीड एंड राइट मोड। क्या बोलते हैं हम इसे? रीड एंड राइट मोड। और R प्लस जो होता है यूज होता है टेक्स्ट फाइल के लिए। किसके लिए यूज होता है? टेक्स्ट फाइल के लिए। इसी को जब हम बाइनरी फाइल को के लिए यूज करेंगे तो हम इसमें यूज करेंगे R प्लस बी, या फिर हम क्या यूज करेंगे, RB+। क्या यूज करेंगे हम? RB+ कीवर्ड यूज करेंगे। ठीक, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट। दिस इज रीड एंड राइट मोड। ये क्या कहलाता है हमारा? रीड एंड राइट मोड। इन दिस मोड फर्स्ट वी परफॉर्म रीड ऑपरेशन
एंड आफ्टर दैट राइट ऑपरेशन, एंड आफ्टर दैट वी परफॉर्म राइट ऑपरेशन, और उसके बाद हम क्या परफॉर्म करेंगे, राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। फाइल, इफ फाइल इज नॉट प्रेजेंट, अगर फाइल हमारा प्रेजेंट ना हो, इफ फाइल इज नॉट प्रेजेंट देन इट शो एरर इन दिस मोड, इफ फाइल इज नॉट प्रेजेंट देन इट शो एरर, तो ये क्या शो करेगा, एरर शो करेगा। अगला मोड है हमारे पास डब्लू प्लस मोड, इसे हम राइट एंड रीड मोड कहते हैं, क्या कहते हैं हम इसे, हम राइट एंड रीड मोड कहते हैं। और देखो जब हम टेक्स्ट फाइल में यूज करेंगे तब हम क्या यूज करेंगे, डब्लू प्लस कीवर्ड, और जब हम बाइनरी फाइल में यूज करेंगे तो डब्लू प्लस बी और डब्लू बी प्लस कीवर्ड यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, डब्लू बी प्लस कीवर्ड यूज करेंगे। दिस इज राइट एंड रीड मोड, ये कौन सा मोड है, राइट एंड रीड मोड है। इन दिस मोड फर्स्ट वी परफॉर्म राइट एंड आफ्टर दैट रीड ऑपरेशन, ओके, इन दिस मोड फर्स्ट वी परफॉर्म राइट ऑपरेशन एंड आफ्टर दैट वी परफॉर्म रीड ऑपरेशन, ओके, रीड ऑपरेशन। इन दिस फाइल फाइल इज क्रिएटेड इफ फाइल इज नॉट एग्जिस्ट, अगर हमारे पास फाइल एग्जिस्ट नहीं है तो फाइल क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। इफ फाइल इज एग्जिस्ट फाइल इज ट्रंकेट, अगर फाइल हमारे पास एग्जिस्ट है तो उस फाइल से पुराना डेटा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, उस फाइल से हमारा पुराना डेटा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, यानी पास्ट डेटा इज लॉस्ट, पास्ट डेटा इज लॉस्ट, पुराना डेटा जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अगला हमारे पास छठा जो मोड आता है वो मोड है क्या हमारा, अपेंड प्लस मोड, कौन सा मोड है हमारा, अपेंड प्लस मोड, कौन सा मोड है हमारा, अपेंड प्लस मोड। देखो अपेंड प्लस मोड क्या होता है, पहले हम ये देखते हैं अपेंड प्लस मोड क्या होता है। तो देखो अपेंड प्लस मोड को हम टेक्स्ट फाइल में ए प्लस कीवर्ड यूज करते हैं अपेंड प्लस मोड के लिए, और बाइनरी फाइल में ए प्लस बी या फिर हम क्या यूज करते हैं, ए बी प्लस कीवर्ड यूज करते हैं बाइनरी फाइल में अपेंड प्लस मोड के लिए। देखो फाइल इज क्रिएटेड इफ डज नॉट एग्जिस्ट, फाइल क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, फाइल इज क्रिएटेड इफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, इफ फाइल एग्जिस्ट फाइल एग्जिस्टिंग डेटा इज रिटेनेड, फाइल एग्जिस्टिंग डेटा इज रिटेनेड एंड न्यू डेटा इज एडेड एट द एंड ऑफ प्रीवियस डेटा, और न्यू डेटा कहाँ पे एंड हो जाएगा, एट द एंड ऑफ प्रीवियस डेटा। बोथ रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशन कैन टेक प्लेस इन दिस, बोथ रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशन कैन टेक प्लेस, ठीक ना, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट, सब लोग इसे समझ गए होंगे। उसके बाद अगला मोड है हमारे पास एक्स मोड, जो किसमें यूज होता है, टेक्स्ट फाइल में, और एक्स बी मोड यूज होता है जो किसमें यूज होता है हमारा, बाइनरी फाइल में, इसे एक्सक्लूसिव मोड कहते हैं, इसे कौन सा मोड कहते हैं हम, एक्सक्लूसिव मोड कहते हैं। दिस इज द एक्सक्लूसिव मोड, ये कौन सा मोड है, एक्सक्लूसिव मोड है। इन दिस फाइल इज क्रिएटेड इफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, इसमें क्या होगा, फाइल क्रिएट हो जाएगा अगर फाइल हमारा एग्जिस्ट नहीं होगा। इफ फाइल एग्जिस्ट देन इट शो एरर, इफ फाइल एग्जिस्ट, ध्यान से सुनना, इफ फाइल एग्जिस्ट देन इट शो एरर, ये अपने आप में स्पेशल है, इफ फाइल एग्जिस्ट देन इट शो एरर। इन दिस मोड इट इज नेसेसरी फाइल शुड नॉट बी ऑलरेडी अवेलेबल, ओके, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट। उसके बाद आते हैं क्लोजिंग फाइल, उसके बाद हम क्या करते हैं, फाइल को क्लोज करते हैं, क्लोजिंग फाइल। एन ओपन फाइल इज क्लोज बाई कॉलिंग क्लोज फंक्शन या क्लोज मेथड, ठीक ना, मेथड ऑफ इट्स फाइल, ओके। अ ओपन फाइल इज क्लोज बाई कॉलिंग द क्लोज मेथड ऑफ इट्स फाइल ऑब्जेक्ट, इट रिटर्न बुलियन वैल्यू
इफ फाइल इज क्लोज, अगर फाइल क्लोज है तो क्या रिटर्न करेगा, बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, इट रिटर्न ट्रू, एंड इफ इफ फाइल इज ओपन इट रिटर्न फॉल्स, तो ये क्या रिटर्न करेगा हमारा, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, फाइल पॉइंटर, इसे ही हम क्या बोलते हैं, फाइल ऑब्जेक्ट या फाइल हैंडल बोलते हैं। उसके बाद हम मेथड कैसे यूज करते हैं, डॉट ऑपरेटर की हेल्प से, और उसके बाद हम क्या करते हैं, मेथड का नाम लिखते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, हमारा फाइल क्लोज होता है, क्लोज मेथड की हेल्प से हमारा क्या होता है, फाइल क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और मैं आशा करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही होगी। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सेंटेंजल पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।